कॉल पीसीओ से था? हाँ गायत्री, नेडीगरी के पास के पीसीओ से, जहाँ गीता और उसके बच्चे एक टूटे फूटे खंडर जैसे घर में रहते थे। सर ये राजीव अभी तक नहीं टूटा है, काफी टफ कस्टमर है। सर 1 फरवरी के बाद का स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, ये राजीव और दो बच्चे कहीं स्पॉट नहीं हुए। जनवरी 2017 का फुटेज भी स्कैन करो, हो सकता है जनवरी के लास्ट वीक में इसने गीता को मारा हो और फिर बच्चों को लेकर ट्रेन में कहीं निकल गया। सर ये राजीव डेफिनेटली एलएपी में था, नेडीकरी पीसीओ से कॉल के बाद इसके सेल पर कोई भी कॉल नहीं आया, इसके फोन लोकेशन रिकॉर्ड से भी इस बात का पता चलता है कि एलएपी में था। सर गीता की लाश हमें 13 फरवरी को मिली, वो 6 फरवरी से लेकर 13 फरवरी के बीच ही मारी गई होगी। बच्चों के साथ क्या किया होगा इसने? इस राजीव नायर पर 3rd डिग्री भी काम नहीं कर रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि बुलवाना तो है किसी भी कीमत पर। मैं अदालत के फैसले का इंतजार नहीं करूंगी, मैंने फैसला किया है कि आज के बाद तुम अपनी बीवी और बच्चे का मुंह नहीं देखोगी। गीता हमारी बेटी जैसी थी, अगर रत्ती भर भी इंसानियत बची है, शर्म बची है, तो पुलिस को बता दो कि वो दोनों मासूम बच्चे कहाँ हैं। मुझे नहीं पता, मैं पुलिस को बता चुका हूँ। मैं भी बता चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि 9 फरवरी को तुम बेलगांव से बाहर गए। अरे कहाँ चले? 2-4 दिन में लौटूंगा। पर जा कहाँ रहे हो आप? एक काम है, निपटा के आता हूँ, चलता हूँ। इसका कहना है कि प्रसाद के कत्ल के साथ साथ तुम पर गीता के कत्ल का भी इल्जाम लगेगा, क्योंकि पुलिस को पता चला है कि गीता के कत्ल के वक्त तुम एलएपी में मौजूद थे, हालांकि तुम मुझे बिना बताए वहाँ गए थे। प्रसाद और गीता के कत्ल के अलावा पुलिस का कहना है कि तुम पर दोनों बच्चों के कत्ल का भी इल्जाम लगेगा। क्या तूने दोनों बच्चों को भी मार डाला राजीव? आपको कितनी बार फोन किया राजीव, आप फोन नहीं उठाते। मैंने कहा था तुमसे गीता, मुझे फोन मत करो। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम अपनी जिंदगी खुद संभालो। मेरे और मेरी बच्चों की जिंदगी बिगाड़ने में आपका हाथ रहा है, तो बनाने में क्यों नहीं? मैंने कहा था तुमसे, वापस चले जाओ प्रसाद के साथ केरला। प्रसाद को तो आप मार चुके राजीव, हम अभी जिंदा हैं, पर जिंदा होकर भी जी नहीं रहे, रेंग रहे कीड़ों की तरह, जहां पर रहते किसी भी दिन भगा दिए जा सकते हैं। आप एलएपी कब आ रहे हैं? मैं नहीं आ रहा। मुझे आपसे आमने सामने बात करनी है राजीव, आइए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं बचता, पुलिस से जाके बात कर लेती हूँ, कबूल कर लेती हूँ प्रसाद का कत्ल। मैंने तुमसे पिछली बार भी कहा था गीता, मुझे धमकी मत दो। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, ये मेरे और मेरे बच्चों की जिंदगी का सवाल है जो आप समझ ही नहीं रहे। राजीव नायर, अब तुम्हारा एक भी झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलो बोलो बच्चे कहाँ हैं? गीता मुझे धमकियां दे रही थी कि वो मेरी सच्चाई दुनिया को बता देगी और खुद खुदकुशी कर लेगी। और बच्चे, बच्चों के साथ क्या करेगी? बोलो राजीव नायर, बच्चे कहाँ हैं? क्या किया तुमने बच्चों के साथ? अरे साक्षी, कृष्णा, बच्चों मेरे, ये लो साक्षी, ये तुम्हारे लिए, कृष्णा ये तुम्हारे लिए। साक्षी, कृष्णा, तुम दोनों थोड़ा अंदर जाओ, मुझे तुम्हारे मौसा के साथ अकेले में बात करनी है। चल बेटा। मुझे तो लगा था जब तक मैं पहुंचूंगा तुम जान दे चुकी होगी। आप तो पहले से मेरी जान ले चुके हैं, भीख मांगती हूँ अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। देखिए किस हालत में जीते हैं हम, चीची। दो पैकेट और मिलेंगे क्या?
मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं घर पर। ले जाओ। ये है उस गीता की हालत जिसे छूते आपको स्वर्ग महसूस होता था, जिससे जिंदगी भर प्यार करने का वादा करते रहे और जिससे मिलने के लिए आपसे रहा नहीं जाता था। ये है उस गीता की हालत। अपनी इस हालत के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। ने कहा था तुमसे चली जाओ प्रसाद के साथ केरला, नहीं मानी थी। बहुत सही सलाह दी थी मैंने। हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो कुछ दिनों का खुमार था, फिर भी तुमने मुझे मजबूर किया प्रसाद को मारने के लिए। और अब तुम खुदकुशी करने की धमकी दे रही। तुम्हें जो करना है करो, मुझे इन सब में मत घसीटो। देखो राजीव, या तो तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे और मेरे बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दो, या फिर मेरे साथ डूबने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अब एक और दिन, एक और मिनट भी भीख नहीं मांगूंगी और ना ही तुम्हें अपने परिवार के साथ मजे से जिंदगी जीने दूंगी। मुझे मेरा हक चाहिए। उसे छूना तो दूर, अब उसके नाम से भी मुझे घिन आती थी और वो मेरे सीने पर बैठकर धमकी पे धमकी दिए जा रही थी, सब कुछ बर्बाद करने पर तुली थी। एक तरफ उसकी धमकियां थी और दूसरी तरफ प्रसाद के खून का बोझ। मुझे उसकी बुरी हालत पर अब तरस भी आना बंद हो गया था। मेरे लिए तो सीने का पत्थर थी वो, एक ऐसा पत्थर जिसका भार अब मुझे उठाया नहीं जा रहा था। मैं अब चैन की सांस तभी ले सकता था जब गीता की सांस बंद हो जाती। राजीव, बच्चों की लाशें कहाँ हैं? दफना दिया उन्हें कहीं? नहीं, तुम दोनों ने अपने अफेयर के लिए प्रसाद को मार डाला, फिर तुमने गीता को भी मार दिया क्योंकि वो प्रसाद के मर्डर को लेकर तुम्हें धमकी दे रही थी। उसके बाद तुमने दो मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया ताकि तुम्हारे कुकर्मों की कोई निशानी ही ना बचे। मैंने बच्चों को नहीं मारा है, मैं बच्चों को कभी नहीं मार सकता। तो फिर राजीव बच्चे कहाँ हैं? मौसा, अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ है? बेटा वो काम से बाहर गई है, आ जाएगी। चलो हम बाहर चल के कुछ खाते हैं, भूख लगी है ना। मौसा, अम्मा कहाँ है? मौसा, अम्मा घर आ गई होगी, अम्मा के लिए भी कुछ खाने के लिए लेके चले। नहीं बेटा, वो खाकर गई, मेरी बात हुई, उसने तुम दोनों को भी अपने पास बुलाया है। पर कहाँ? मौसा,
बेटा उसने मुझे भी नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला कि तुम लोग भी वहाँ आ जाओ। कहाँ मौसा, नया वाले घर? हाँ बेटा, नए वाले घर में, अच्छे वाले। फिर से ये कोई झूठी कहानी सुना रहा? नहीं सर, झूठी कहानी। सर इसके साथ हम सिर्फ टाइम वेस्ट करें, सिर्फ टाइम वेस्ट करें। जिस तरह इसने प्रसाद को जलाकर मार दिया, उसी तरह से इसे ठोककर दफना देते, इसकी कहानी यही खत्म कर देते। हाँ सर, वैसे भी इसे जीने का कोई हक है ही नहीं। दो मासूम बच्चों को मार डाला इसने। मैंने नहीं मारा है बच्चों को। राजीव नायर, बोल बच्चे कहाँ हैं? मैं उन्हें मैंगलुरु ले गया था। बहुत जल्द साक्षी, बहुत जल्द। कृष्णा बेटा, तुम यहीं बैठना अपनी बहन के साथ, हाँ? मैं अभी कुछ देर में आऊँगा। ठीक है मौसा। हमने पूरा मैंगलुरु छान मारा, लेकिन बच्चे हमें कहीं नहीं मिले। बोल, बोल क्या किया तुमने बच्चों के साथ? मैंगलुरु में मार बच्चों को तूने? मैंने बच्चों को नहीं मारा, मैं उन्हें एक अनाथालय में छोड़ आया हूँ। अनाथालय का नाम बोल। आनंद बाल केंद्र। सर ये फिर से गेम खेल रहा है, झूठ बोल रहा है। हो सकता पर दुआ करता हूँ कि इसका झूठ सच साबित हो। सुनील, तुरंत मैंगलुरु के लिए निकलो। सर। जया जी, अब हमें पता चला है पूरी तरह कि आपकी बेटी गीता ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। मेरी बेटी का वाकई में राजीव के साथ चक्कर था जी। मेरे दामाद को इसलिए दोनों ने मार डाला जी। राजीव सच बोल रहा है। देखिए आदमी इतना बड़ा ड्रामेबाज है कि कब सच बोलता है कब झूठ बोलता है कुछ पता नहीं चलता। पर यकीन मानिए, हम सब यही चाहते हैं कि मैंगलुरु अनाथ आश्रम वाली बात सच साबित हो और दोनों बच्चे सही सलामत हो। सर आप उन्हें बस वापस ले आइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे भाई की आखिरी निशानियाँ है वो, हम दोनों ने गोद ले लेंगे। जी सर। निशा जी, हम भी यही चाहते हैं, आप हौसला रखिए। जी नहीं, ये बच्चे हमारे यहाँ नहीं लाए गए कभी। मैडम प्लीज इन बच्चों को ध्यान से देखें। 11 फरवरी को कृष्णा और साक्षी। नाम पढ़ा मैंने, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं लाए गए, ना 11 फरवरी को ना किसी और डेट को। पर इन बच्चों की माँ की मौसा ने खुद हमसे कहा है कि उसने इन बच्चों को यहीं छोड़ा है। सर ये कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है जहाँ बच्चे को धकेल दिया जाए और फिर निकाल दिया जाए। यहाँ हर बच्चे को लाने वाले का पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है और लाए हुए हर बच्चे का भी। जरा सा भी डाउट हुआ कि बच्चा किडनैप्ड है या कुछ और, तो हम तुरंत पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। तो ये डबल मर्डर केस नहीं, चार मर्डर्स का केस था। सर क्या ये राजीव सिर्फ आपके पेशेंस को आजमा रहा था? गेम खेल रहा था, घुमा रहा था, गुमराह कर रहा था ताकि आप लोगों को बच्चों की लाशें कभी मिले ही ना। उस वक्त हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उसकी दी हुई लीड्स को फॉलो करने के, फिर वो चाहे झूठी क्यों ना हो। क्योंकि उस वक्त उन दो बच्चों को ट्रेस करना हमारे लिए सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, बल्कि हमारे लिए वो एक जुनून बन गया था। दो छोटे मासूम बच्चे जिनका अपने माँ बाप के या उनकी माँ के उसके मौसा के साथ उलझे हुए रिश्तों से कोई सरोकार नहीं था। सर ये राजीव जरूर झूठ बोल रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बच्चों को कहीं लेके जाए
और किसी ने उसे देखा ही ना, कोई तो जानता होगा। यह सवाल हमें भी खाया जा रहा था, लेकिन कोई था जिसने इन दोनों बच्चों को देखा था। एक सर, सर, सर मैं बताता हूँ सर, सब कुछ बताता हूँ, सब सच बताता हूँ सर। तो मत मारिए सर, प्लीज मुझे मत मारिए, मैं बता दूंगा सर। सर चलाइए गोली, दो बच्चों को मार डाले सर, रत्ती भर भी रहमत कीजिए इस पे। अनाथालय नहीं छोड़ा है मैंने, अनाथालय नहीं छोड़ा, लेकिन कहाँ छोड़ा है बताता हूँ सर। बता राजीव नायर, लेकिन याद रखना इस बार अगर झूठ बोला ना तो तुम्हारी लाश ऐसी जगह फेंकेंगे कि दुनिया का कोई भी माई का लाल तुम्हारी लाश नहीं ढूंढ पाएगा। इस वक्त पूरा पुलिस स्टेशन तुम्हारे खून का प्यासा है, सब घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे। बोल। सर, सर, मैं बच्चों को अनाथालय ले गया था, पर वहां उनका एडमिशन फॉर्म देखकर मैं डर गया था सर। कोई मदद चाहिए सर? मैडम ये फॉर्म मुझे क्यों भरना पड़ रहा है? ताकि हमें पता चले कि ये जो बच्चे को आप यहाँ छोड़ के जा रहे हो वो कौन है, आपको कहां से मिला, आप कहां रहते हो, क्या करते हो, ऐसे कई सारे सवाल। हमारा प्रोसीजर है सर। मैडम मैं काम करता हूं, मैं बच्चों को ले आता हूं, आप खुद ही देख लीजिए, बस 5 मिनट में आया और उसके बाद ये फॉर्म भरूंगा। सर ऑर्फनेज के सीसीटीवी में बच्चे तो नहीं दिखे, पर ये राजीव वहां गया तो था। तो फिर सर ये ऑर्फनेज वाली बात पूरी झूठ नहीं है। मैं बच्चों के पास लौटा, मैं समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। क्या किया बच्चों के साथ, क्या किया? बस उनका हाथ पकड़ा और चलता गया। कोई जगह ढूंढ रहा था जहां मैं उन्हें छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन डर भी था अगर उन्होंने कुछ बोल दिया और आप लोग मुझ तक पहुंच गए तो सब गड़बड़ा जाएगा। मौसा हम लोग बहुत दूर आ गए हैं ना? हाँ बेटा। और अम्मा क्यों नहीं आई अभी तक यहाँ? बेटा मैं अम्मा के फोन का इंतजार कर रहा हूँ। जब अम्मा का फोन आएगा ना मुझे उनसे बात कराना। हाँ बेटा बात कर लेना। रेल स्टेशन के पास एक ख्याल है, अगर मैं इन बच्चों को किसी दूर की ट्रेन पर बैठा दूं जहां अगर ये किसी को मिले भी तो कोई इन्हें पहचाने का नहीं जाने का नहीं, तो मेरे पकड़े जाने के आसार और कम हो सकते हैं। एक ट्रेन खड़ी थी ट्रैक पर, मैंने दोनों बच्चों को उसमें चढ़ा दिया। कौन सी ट्रेन थी, कहां जा रही थी? मुझे नहीं पता, मेल ट्रेन थी, सिग्नल के लिए रुकी थी। बैठ, बैठ, बैठ। साक्षी कृष्णा तुम दोनों यहीं बैठना, यहाँ से कहीं जाना, हाँ मैं भी पानी लेके आता हूँ। मौसा ट्रेन चालू हो जाएगी? नहीं बेटा नहीं जाएगी, डरो मत। कृष्णा तुम साक्षी का हाथ पकड़ के रखो, हाथ पकड़ो, शाबाश, छोड़ना नहीं है बेटा, डरो मत बेटा, मैं यूं गया और यूं आया। कौन सी ट्रेन थी? नहीं पता। कौन सी क्रॉसिंग थी, कितने बजे थे? पता नहीं, दोपहर 12-1 बजे का वक्त होगा, मैंगलोर सिटी के पास की कोई क्रॉसिंग थी। मैंने बच्चों को नहीं मारा, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता था सर, मैंने बस उन्हें अपनी तकदीर के हवाले छोड़ दिया सर। तुमने तो छोटे बच्चों को छोड़ दिया ट्रेन में तकदीर के सहारे। याद रखना अगर वो बच्चे हमें सही सलामत नहीं मिले ना
तो तेरी तकदीर हम लिखेंगे गोलियों से। मंगलुरु के ऑर्फेनेज वाली बात तो इसने सच बोली, पर ट्रेन में चढ़ने वाली बात सच है या फिर चाल चल रहा है? सर अभी के लिए हम इसे सच मान के चलते हैं। मैं एक काम करता हूँ सर, मंगलुरु स्टेशन पर दोपहर में आने वाली या जाने वाली या वहां से गुजरने वाली सभी ट्रेनों की लिस्ट मंगवाता हूँ 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच। फिलहाल हमारे पास यही एक तरीका है, मंगलुरु रेलवे पुलिस, लोकल पुलिस सबको एक्टिव करो। सर जरूरी नहीं कि ट्रेन अपनी मंजिल तक बच्चों समेत पहुंची हो, दो स्टेशन के दरमियान बहुत कुछ हो सकता है, खासकर बच्चों के साथ, वो किसी के भी हाथ लग सकते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया, बैगिंग माफिया। सुनील, गायत्री, हम एक अंधी गली में घुस रहे हैं, शेर के मुंह में हाथ डाल लें, सांपों का पिटारा खोल लें, लेकिन बच्चों को सही सलामत ढूंढने के लिए हम कुछ भी करें, कुछ भी। राइट सर। फरवरी को दोपहर 12 से 2 के बीच में दो ट्रेन निकलती है सी रूट पर और दोनों मेल ट्रेन हैं। सर मुझे दोनों ट्रेन के रूट मैप चाहिए। पहली ट्रेन जो निकली वो 1:15 बजे थी, त्रिवेंद्रम राजकोट एक्सप्रेस जो मंगलुरु होल्ड करती है, और दूसरी ट्रेन है थाना एक्सप्रेस जो यहाँ से 1:45 बजे निकलती है। हमारे पास बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि 11 फरवरी को दोपहर में हुआ था। तो फिर आपके काम की ये दो ट्रेन है मैडम, और पनवेल तक दोनों के रूट्स बिल्कुल सेम है। बस उसके बाद वसई जंक्शन से त्रिवेंद्रम राजकोट एक्सप्रेस मुड़ती है, पर मंगलुरु थाना एक्सप्रेस सीधे थाने जाती है। स्टेशन पर रेलवे पुलिस को अलर्ट करो, उन्हें कहो कि उस दिन का सीसीटीवी स्कैन करें, हो सकता है बच्चे किसी स्टेशन पर उतर गए, कहना तो नहीं चाहिए पर पॉसिबिलिटी है कि बच्चों को किन्हीं गलत हाथों ने थाम लिया। तेरे नेटवर्क के नेटवर्क के नेटवर्क वालों तक ये सारी तस्वीरें पहुंच जानी चाहिए हरीश। हर भिखारी और बच्चों के ट्रैफिकिंग माफिया ग्रुप को टटोलो, हमें साक्षी और कृष्णा चाहिए। लेकिन सर हम कई इलाके चेक कर चुके हैं। तो दोबारा चेक करो हरीश, इस केस में गलतियों की कोई भी गुंजाइश नहीं है, हम भी गलतियां करते हैं पर इस केस में हम ट्रबल ट्रबल चेक करेंगे। समझ गया सर। लेकिन हमें साक्षी और कृष्णा चाहिए सही सलामत। जी नहीं, रत्नागिरी के सीसीटीवी फुटेज में बच्चे दिखाई नहीं दिए हैं। 11 और 12 फरवरी की कानकोना स्टेशन की फुटेज स्कैन हुई है, बच्चे स्पॉट नहीं हुए। कारवार स्टेशन के सारे कैमरास के फुटेज डबल स्कैन हुए हैं। 11 और 12 फरवरी को ये दोनों बच्चे स्टेशन पर कहीं नहीं दिखे। यार मुकेश, अपनी नवी मुंबई में चार भिखारी गैंग है और सभी का दामादू में। अगर ये बच्चे उनके पास होते ना तो दहेज समझ के फटाक से दे देते। और किसी गैंग का दामाद नहीं है क्या तू? गैंग तो बहुत है पर क्या है ना, इस बच्चे के साथ एक बच्ची भी है समझा, और बच्चों का साला मार्केट ही अलग है और मैं उनसे दूर रहता हूँ, लेकिन तुम लोगों को उधर हाथ तो डालना ही पड़ेगा। अरे शेट्टी, 5-6 साल की तो बच्ची दिखती है ये, अभी से थोड़ी ना बैठाएंगे इसे गोटे पे। तो बता ना कहाँ छुपाएंगे इसे? वो थोड़ी ना पता होता है किसी को, एकदम सीक्रेट वाली जगह पर रखते हैं पलकों पकाने के लिए, और कुछ सालों के बाद बकायदा बोली लगती है इनकी। निशा जी आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि उन दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, बट सैडली हमारे हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग रहे हैं। वो दोनों बच्चे बहुत छोटे बस ट्रेन में बैठे रहेंगे उस राजीव के लौटने के लिए, मरने के लिए छोड़ गया उन्हें,
निशा जी, उस रूट के हर ट्रेन के हर स्टॉपेज, हर स्टेशन, हर जंक्शन पे हमने अपने आदमी लगा रखे हैं। बस एक बार पता चल जाए कि वो बच्चे किस स्टॉप पे उतरे थे। उतरे होंगे, ऑब्वियसली उतरे होंगे, और उतरने के बाद किसी से कुछ पूछा होगा, या फिर इन्हें अकेले देखकर किसी ने इनसे कुछ पूछा होगा, जरूर। सर, बेंगलुरु से थाने और राजकोट हर एक रेलवे स्टेशन पर ढूंढा है ना सर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग माफिया, बैगिंग माफिया, हर तरह की माफिया को खंगाला है, पर कुछ नहीं मिला। हाँ, अगर ट्रैफिकिंग के जरिए इन दोनों को और आगे ले जाया गया सर, तो कम से कम उसका एक हिंट तो मिले, तभी तो हम आगे का नेटवर्क फैला सकते हैं। कैसा आदमी है, पहले माँ बाप को मार डाला, फिर दो छोटे मासूम बच्चों को छोड़ दिया ट्रेन में, तकदीर के सहारे। सुनील, गायत्री, ट्रेन में चढ़ने वाली बात झूठ हुई तो? सर, वो मैंगलोर गया था ये तो सच है, और ऑर्फेनेज भी गया था ये भी सच है। और ये ट्रेन वाली बात झूठ है सच, ये तो तभी पता चलेगा सर जब बच्चे मिलेंगे। पर क्या बच्चे मिलेंगे? निशा, भगवान की कृपा से दोनों मिल जाएंगे, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी, अगर वो ना भी मिले तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि वो जहां भी रहे खुश रहे। जो जिंदगी उनको अपने माँ बाप से नहीं मिले वो वहां मिल जाए। हम खोजते रहे बच्चों को, हमने राजीव से सच उगलवाने के लिए हर मुमकिन पैंतरा अपनाया। सर, एक महीना अगर इतनी इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चली और फिर भी कोई लीड नहीं मिली बच्चों के बारे में, तो शायद राजीव फिर कोई नई स्टोरी बना रहा था। नहीं, मुझे नहीं लगता कि एक महीने की सर्च के बाद ना मिलने पर राजीव को झूठा मान लेना सही होगा। हम सब जानते हैं पुलिस नेटवर्क, सोशल मीडिया वगैरह के बावजूद ऐसा हो सकता है कि दोनों बच्चे रडार में आ ही नहीं रहे थे। दरअसल उस पॉइंट पर ना सिर्फ हम ब्लैंक थे बल्कि हताश भी थे। इन दो छोटे मासूम बच्चों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये केस हमारे लिए अब एक पर्सनल केस बन गया था, पर इन दोनों का ना मिलना हमें एक पर्सनल सी हार लग रही थी। फाइनली हुआ क्या सर, आपने केस यहीं क्लोज कर दिया था? नो, वो हमने नहीं किया, हमारी उम्मीदें कुचली जरूर गई थी पर खत्म नहीं हुई, और उसी दौरान एक और बच्चा रास्ता भटक गया। अरुण, अरुणंदा नायराणो നമ്പ്യാരാണോ? അല്ല, മേനോനാണോ? വീട്ടിലാരുടെങ്കിലും പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ മോന്? മോൻ്റെ നാട് എവിടെയാണ്? സ്കൂളിൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചേ പറ മോനെ. എന്നാ ഒരു കാര്യം പറ, മോൻ വണ്ടി എവിടെ നിന്നാണ് കയറിയത്? ഏത് സ്റ്റേഷൻ എന്നാ? മില്ലിയ മലയാളം മെ മാപ്പ് പതാ നീ കിട്ടാ ഹെൽപ്പ് ഹോഗാ. ये कुछ भी रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा। ट्राई करते हैं शशि, पूछो। मोने, इधर देखना साल और मिनट हो, इधर मोने वीड है बढ़िया। देखो बेटा, ये केरला का मैप है, इसमें तुम्हारा गांव कौन सा है? योर विलेज। नाड़ नाड़ है बढ़िया ना। वीड है बढ़िया ना मोने। उन्हें और मिचे? എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അങ്കൾ എന്നെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. ക്യാ മാർക്കറ്റ് ക്യാ? ഓ അങ്കൾ ഹൈ നാ ഉൻകാ, ഓ മാർക്കറ്റ് മേ ഹർ സൺഡേ ലേക്കേ ജാതേ തേ. കൗൺ സീ മാർക്കറ്റ് മേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ മോനെ എവിടെയാ മാർക്കറ്റ്? അത് എവിടെയാ മാർക്കറ്റ്? ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. യാദ് നീ കർ പാ രേ. ആപ്കോ നാ വെയിറ്റ് കർനാ ഹോഗാ, ദോ ദിൻ ഹുവേ നാ. കേരള മേ ജഹാ ജഹാ ഫോട്ടോ ഭേജേ അരുൺ കേ, कहीं से कोई रेस्पॉन्स आना चाहिए। अब तो वही ऑप्शन बाकी है, बट थैंक यू सो मच शशि हमारी हेल्प करने के लिए, वरना हम तो उस बच्चे से उसका नाम तक नहीं निकलवा पा रहे थे। हेलो, शीतलपाड़ा पुलिस चौकी। मैडम, मैं सब इंस्पेक्टर करुणाकरण बोल रहा हूँ, मेरा पालन पुलिस स्टेशन त्रिशूर केरला से। जी सर, बोलिए। हमारे पुलिस स्टेशन में आपके यहाँ से गिटे लाई थी, कोई अरुण नाम का बच्चा मिला है आपको? जी हाँ, ट्रेन से यहाँ पहुँचा, अपने नाम के अलावा ज्यादा कुछ बता नहीं पा रहा। वरुण नंबूदरी है, चार दिनों से मिसिंग है, फैमिली बेहाल होकर ढूंढ रही थी उसे, आज ही कंप्लेंट लॉन्च की। आपने जो फोटोग्राफ भेजा सामने है मेरे, तुरंत मैच कर गया। ये तो बहुत अच्छी खबर है सर, आप पेरेंट्स और डॉक्यूमेंट्स को लेकर यहाँ आ जाइए और बच्चे की कस्टडी ले लीजिए। आइए सर।
ये बॉल तुम रख लो, हमारी तरफ से गिफ्ट। ये बॉल तुम रख लो, हमारी तरफ से तुमको गिफ्ट। अरुण हिंदी नहीं बोल पा रहा था और मुझे मलयालम नहीं आती, लेकिन शुक्र है अरुण अपने घर लौट रहा है। वो लड़का और वो लड़की, कृष्णा और साक्षी। हाँ पता है मुझे, इनफैक्ट केरला के हर पुलिस स्टेशन को पता है। हेलो हेलो नरेश सर, सब इंस्पेक्टर करुणाकरण पेरापालम पुलिस थाने से। बोला करुणाकरण। सर जिन दो बच्चों को आप ढूंढ रहे हैं, कृष्णा और साक्षी, दोनों इस वक्त मेरे सामने सर। कहाँ? पेरापालम में? नहीं सर, थाने महाराष्ट्र। कौन है तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? चलो उतरो, सोने की जगह नहीं है, चलो। वो मौसा आने वाले हमें ले। कौन है वो? मौसा। कहाँ गए वो? पानी लेने। कृष्णा और साक्षी, तुम दोनों भाई बहन हो, डरो मत बेटा, अच्छे से जवाब दो। तुम दोनों भाई बहन हो? अच्छा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है, सरनेम क्या है तुम्हारा? मेनन। तुम्हारे मौसा का नाम क्या है? मौसा। मौसा का कोई और नाम भी तो होगा ना। अच्छा, तुम्हें याद है वो किस जगह उतरे थे पानी लेने के लिए? तुम्हें अपने मम्मी पापा का नाम पता है? गीता प्रसाद। तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? चला गया। और मम्मी? माम मंदिर के बाहर भीख मांगती है। कौन से मंदिर के बाहर? चलो तुम्हारे मौसा और माँ के बारे में पता लगाते हैं, तब तक तुम ये बिस्किट खाओ। डरो मत, बिस्किट खाओ। वो दोनों बच्चे मिल गए। कहाँ है सर? ठाणे महाराष्ट्र। वहां कैसे? सर हम आपको बता नहीं सकते, इन बच्चों को सही सलामत देखकर हमें कितना सुकून मिला। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर फिर भी हम लगे रहे।
इस उम्मीद में कि ये बच्चे हमें एक ना एक दिन जरूर मिल जाएंगे। हमें लगा इन्हें इनकी फैमिली कहीं छोड़कर चली गई है। हमें आप लोगों के केस के बारे में पता ही नहीं था। सर, हमारी अम्मा बेटा, वो अम्मा वो आपके पापा की बहन है, निशा बुआ, जानते हो? कल आपको लेने आएंगे। मौसा कहाँ है? हमें ट्रेन में बैठा कर पानी लेने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। सर, हमारी अम्मा क्यों नहीं आई? पहले पापा कहीं चले गए, अम्मा बोली कि आ जाएंगे, फिर अम्मा भी कहीं चली गई। काम करते हैं, पहले घर चलते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर जाना आपको? सुधा दीदी वेट कर रही है तुम्हारा। मैंने कहा था ना आपसे, बच्चों के साथ मैंने कुछ नहीं किया है। अगर मुझे मौका मिले ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं। पहले मेरी बेटी और दामाद की जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर उनकी जान भी ले ली। और मेरी जिंदगी का क्या, वो बर्बाद नहीं हुई? नहीं, बहुत बर्बादी बाकी है। मैं नहीं चाहती हूं कि तुम मरे और नरक में सड़े। मैं चाहती हूं तू यही इसी जेल में सालों साल सड़े मरे, कीड़े पड़े। दो मर्डर्स, इतना ट्रेजिक केस, लेकिन एक बात पॉजिटिव ये थी कि दोनों बच्चे सही सलामत मिल गए और उनको एक अच्छा घर भी मिल गया। और सर, थाने पुलिस की उस ऑफिसर उज्ज्वला ने कमाल की डेडिकेशन दिखाई, पहले उस अरुण को अपने घर वालों से मिलाने में और फिर साक्षी और कृष्णा को। बिल्कुल बढ़िया काम किया उस ऑफिसर ने। दरअसल जब भी छोटे वल्नरेबल बच्चे मिसिंग होते हैं तो हम सब के अंदर अपने आप एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, इससे पहले के बच्चे गलत हाथों में पड़े ढूंढ लो उन्हें। और मिसिंग केसेस में बच्चों का सही सलामत मिलना आपको एक अलग खुशी देता, एक अलग सेटिस्फेक्शन, किसी कातिल को भी ढूंढने से कई गुना ज्यादा। सर एक सवाल है, अगर अरुण का केस सामने नहीं आता तो ये मिसिंग बच्चों का केस अनसॉल्व रह जाता? इस सवाल का जवाब इस हकीकत में छुपा है कि हमने इस केस की फाइल क्लोज नहीं की, हमने अपनी कोशिशें जारी रखी। केरला के सभी पुलिस स्टेशन में इन दोनों बच्चों की डिटेल्स पहुंची थी, जिसके चलते अरुण का केस एक स्वीट कोइंसिडेंस बना और कृष्णा और साक्षी भी मिले। एक नजरिए से देखें तो इस केस में ऐसा लग सकता है कि जो कुछ हुआ सब किस्मत का खेल था, सब कुछ बाय चांस हुआ। पर अक्सर इंसान की अपनी सोच और उसके सोचे समझे फैसले ही उसकी जिंदगी में वो खास हालात पैदा करते हैं जिसके लिए वो जिम्मेदार या कसूरवार अपनी अच्छी या पूरी किस्मत को मानता। यह गलत है। मायूसी की मझधार में डूबता इंसान अक्सर तकदीर के तिनके को अपना सहारा बना लेता है और उसे अपने डूबने का बहाना भी मान लेता है। पर किनारा तभी नसीब होता है जब इंसान अपने अंदर हौसला बटोर कर तैरने की हिम्मत करता, मेहनत करता। किसी ने खूब कहा, खुदा भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.